हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज़ यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके लिए मुंबई इंडियंस से जुड़ी दो काफ़ी बड़ी अपडेट्स लेके आया हूँ। यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर है जो मुंबई इंडियंस से बाहर हो सकता है, इसके साथ ही इनके वाइस कैप्टन के बारे में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल निकल कर आई है। तो अगर आप मुंबई इंडियंस के फ़ैन हो तो इस वीडियो को आपको देखना है बिल्कुल लास्ट तक। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज़ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट नंबर वन आई है वो यहाँ पर जुड़ी है मुंबई इंडियंस के फास्ट बॉलर लसित मलिंगा से। अब यहां पर मलिंगा के खेलने के ऊपर काफी सारे स्पेकुलेशन आ रहे थे और लोग यहां पर ये बोल रहे थे कि हो सकता है मलिंगा अब हमें आईपीएल में आगे खेलते हुए ना देखने को मिले, लेकिन यहां पर लसित मलिंगा ने यहां पर पहले ही क्लियर कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज में भी बताया था कि यहां पर हो सकता है कि वो हमें कम से कम एक दो साल और खेलते हुए देखने को मिले, लेकिन अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने यहां पर इस बात की जानकारी दे दी है कि लसित मलिंगा अभी यहां पर पूरी तरीके से फिट है और उनका मानना है कि यहां पर जो T20 फॉर्मेट होता है उसमें उनको 4 ही ओवर बॉलिंग करनी होती है और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती नहीं है क्योंकि 3 ही घंटे का मैच होता है। तो ऐसे में लसित मलिंगा अभी यहाँ पर आराम से अगले 2 साल तक T20 क्रिकेट में एक्टिव रहने वाले हैं, जहाँ पर वो पूरे 4 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं और वो पूरी टाइम फील्ड पर फील्डिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर लसित मलिंगा मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हो चुके हैं और अगले 2 साल तक वो कम से कम मुंबई इंडियंस की टीम से कहीं भी बाहर नहीं जाने वाले। अब क्योंकि मलिंगा इस टीम के एक इंटीग्रल पार्ट हैं और वो यहाँ पर पक्का आईपीएल खेलने वाले हैं और इसके साथ ही मुंबई इंडियंस ने ट्रेंट बोल्ट को भी अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया था। तो इस इंक्लूजन की वजह से अब दिक्कत यह हो गई है कि मुंबई के पास लसित मलिंगा जो कि फॉरेन के हैं, इसके साथ ही ट्रेंट बोल्ट भी फॉरेन के बॉलर है, क्विंटन डिकॉक इनके विकेटकीपर वो भी फॉरेन के हैं और इसके साथ किरण पोलार्ड तो होंगे ही। तो अब क्रिसलिन जो कि यहां पर इन्होंने सबसे लास्ट में अपनी टीम में उनको शामिल किया, तो उनकी जगह मुंबई इंडियंस में अब खतरे में नजर आ रही है। अब एक ही ऑप्शन है कि यहां पर क्रिसलिन अगर बैटिंग करने उतरते हैं क्विंटन डिकॉक की जगह तो फिर डिकॉक को बाहर बैठना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि डिकॉक एक विकेटकीपर भी हैं तो उस केस में यहां पर ईशान किशन को इनकी विकेटकीपिंग करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हो सकता है कि मुंबई इंडियंस यहां पर पहले के कुछ मैचेस में क्विंटन डिकॉक के साथ ही उतरने वाली है और इस वजह से यहां पर क्रिसलिन आपको बेंच पर बैठने को देखने को मिल सकते हैं पहले के कुछ मैचेस में। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट नंबर 2 की तरफ जो कि यहां पर जुड़ी है मुंबई इंडियंस के वाइस कैप्टन से। अब यहां पर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन लास्ट ईयर यहां पर रोहित शर्मा कुछ मैचों के लिए जब मुंबई इंडियंस की टीम में नहीं खेले थे तो उनकी जगह यहां पर कैप्टनसी की थी किरण पोलार्ड ने। और अगर आपको मैच याद हो तो वहां पर पोलार्ड ने काफी कमाल की बैटिंग की थी, जहां पर इन्होंने सिर्फ 30-40 बॉल में 80 रन मार दिए थे। तो ऐसे में किरण पोलार्ड एक ऐसे प्लेयर बनकर उभरे हैं जो कि अगर उन्हें कप्तानी दी जाती है तो वो यहां पर अंडर प्रेशर काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपनी टीम से भी काफी अच्छा परफॉर्म करवा भी लेते हैं। जैसा कि हमने वेस्टइंडीज के साथ भी देखा कि इंडिया के अगेंस्ट जो यहां पर वेस्टइंडीज की सीरीज हुई थी उसमें वेस्टइंडीज की टीम एक अलग ही टीम नजर आ रही थी और काफी तगड़ी उन्होंने फाइट दी यहां पर इंडिया की टीम को और यहां पर वेस्टइंडीज लग रहा था कि एक अलग एग्रेशन के साथ खेल रही है पोलार्ड के अंदर। तो इसी चीज को यहां पर मुंबई इंडियंस ने पिक किया और उन्होंने किरण पोलार्ड को यहां पर मुंबई इंडियंस का नया वाइस कैप्टन बना दिया है। तो ऐसे में अगर रोहित शर्मा के साथ कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर रोहित शर्मा को मुंबई की टीम यहां पर बीच आईपीएल में यहां पर रेस्ट देना चाहती है तो यहां पर किरण पोलार्ड अब आपको यहां पर मुंबई इंडियंस के कैप्टनसी करते हुए दिखाई देंगे और इसके साथ ही वो यहां पर ऑफिशियल वाइस कैप्टन डिक्लेयर हो चुके हैं मुंबई इंडियंस के। तो वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कॉमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आपके हिसाब से क्रिसलिन को क्या जगह मिलनी चाहिए क्विंटन डिकॉक की जगह या फिर नहीं। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।